तो 10 बज चुके हैं, संजीव भसीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार के अंदर उतार चढ़ाव है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बाजार कोई भी अपॉर्चुनिटी को खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो सर, अभी भी यही आपका व्यू पॉइंट है कि कोई भी डिप मिले, किसी भी वजह से मिले, खरीदारी ही करें या फिर थोड़ा थोड़ा रुकना चाहिए अभी? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, रुकेंगे तो क्या करोगे आप बताइए। कल परसों जब सोना 800 गया, आपसे खरीदा नहीं जाएगा क्योंकि हाँ। घबराहट ऐसी डाल देंगे कि जंग होने वाली है। सही बात। और परसों आज आ गया तो आज आप कहते हो कि 17200, तो देर इज नो फाइन टाइम और बाजार तो उतार चढ़ाव देगा। हाँ। ये तो घरवाली से भी ज्यादा विम्सिकल है, इसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर घरवाली को बर्दाश्त करते हो तो इसको करना पड़ेगा, तभी शेयर बाजार में रहोगे। तो मेरी वाइफ कहती है, आपकी दूसरी वाइफ ही आपको सिखा सकती है कैसे कैसे कहना, समझिए। दूसरी बात, आप इतने स्वीट स्पॉट में हो कि ऑटोज हो गई, बैंक्स हो गई, और मैं बताऊं डिम्पी जी, हाँ जी हाँ जी, अगले हफ्ते रशिया यूक्रेन में भी ढील आ जाएगी, जो भी समझौता होना है हो जाएगा। रशिया विल गेट यूक्रेन एंड वट एवर द नेक्स्ट गेम प्लान। बट अगर आप वो कह रहे हो कि यूएस इज इंपोर्टिंग मोर ऑयल देन प्री रशियन इन्वेजन एंड रशिया इज एक्सपोर्टिंग मोर ऑयल, तो आपने $30 का प्रीमियम उन्हें क्यों दिया है? सो ऑल दैट रियलिज्म विल जॉन, और उस कारण से इंडिया इज इन द स्वीटेस्ट स्पॉट। आप एयरपोर्ट जाइए, दुबई जाइए, बॉम्बे जाइए, एयरपोर्ट में ढाई ढाई घंटे की वेटिंग है। और मैं बताऊं कि जीएमआर जितनी ब्लैक लेबल बनती नहीं है, मैं तो पीता नहीं लेकिन खरीद के जरूर लाता हूं, जितनी ब्लैक लेबल बनती नहीं उससे ज्यादा बिक्री है। तो जीएमआर इज मेकिंग मनी हैंड्स ओवर फिस्ट, आप जाकर देखिए, तो आप तो देख के आए हैं। तो इस कारण से लेने की चेष्टा कर दी है। कल आपको अपडेट दे दूं, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, एसडब्ल्यू सोलर, एनएलसी ऑल हैव आउट परफॉर्म। अब आपके लिए दो नहीं तीन बाइज है, लेकिन बाजार की सिंक्रोनिटी देख के आप लीजिए। ठीक है सर, तो फिर बता दीजिए सर वो कौन से बाय है। एक का तो जीएमआर इंफ्रा का तो हमको आइडिया लग ही गया कि आप इसको बाय करने के मूड में हैं। बिल्कुल, जीएमआर इज अनक्वेश्चनेबली नो ब्रेनर, और मैं आपको कहता हूँ ₹40 तो जल्दी आ जाएगा, इसका भाव ₹50 चले जाएगा। तो जीएमआर को सबसे पहले लीजिए, भाव 35-25 का स्टॉप लॉस रखिए, 40 का टारगेट। दूसरा पिक अपोलो टायर, अब अपोलो टायर 199 पे था, 202 हो गया, आपको अपनी प्रॉफिट लॉस देख के बाय कीजिए। और तीसरा सेल है, अगर टाटा स्टील नहीं भेज रहा रशिया तो इंडिया इज द सेल इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, उसको बहुत बड़ा फायदा है। तो अगर आपको मिले 101 में लीजिए, 110 का टारगेट, 97 का स्टॉप लॉस। मॉर्निंग भसीन जी, तो ये टायर स्टॉक्स का एक बड़ा रीजन ये भी होगा क्योंकि अगर वॉर फ्रंट पे वहां से अच्छी न्यूज आती है तो क्रूड नीचे आएगा, और अपोलो टायर स्टॉक्स हो, पेन स्टॉक्स हो, इनमें एक अच्छा सर्ज होना चाहिए, तो क्या यहाँ से भी आपकी कोई पिक होगी? नहीं, मैंने आपको अपोलो भी कहा, सीएट भी कहा, because the underlying asset means the replacement will be, or देखिए जब ऐसी devastation होती है, जब उसकी reconstruction होती है, that is the real bull market, इसलिए आप देख रहे हैं metals में जिस तरह से तेजी है। लेकिन अभी तो प्रियंका आप ये लेके चलिए कि GMR is seeing the best traffic ever in history, आपने कभी नहीं देखा domestic और local travel, आप number देखिए Indigo के और बाकियों के, और foreign airlines are chock-a-block। तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी रुकावट आएगी, इनफैक्ट जीएमआर इज द मोस्ट रीजनेबल प्राइस टू प्ले द इंडिया स्टोरी ऑन द रीओपनिंग ट्रेड। ठीक है भसीन जी, एक बात तो आपकी बिल्कुल ठीक निकली, एक बात क्या, कई बात ठीक निकली। मैं वैसे आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आपने कहा था कि अच्छा चलेगा और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आ भी गया और नए रिपोर्ट भी आई है 3200 के टारगेट के लिए। अब मेरे पास में सर, वैसे मैं दोनों चीजें कर सकता हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा मेरे को बेहतर बता पाएंगे। मैं एक ही लॉट में मतलब एक पैसा लेना लगाऊंगा अपना बाजार के अंदर, मेरे को बताइए HDFC इस समय ज़्यादा ठीक है सर, रिलायंस ज़्यादा ठीक है? मेरे पास ना इतने पैसे नहीं कि मैं दोनों ही खरीद लूँ, तो एक ही चीज़ खरीद सकता हूँ, बस इतना ही है मेरा प्रॉब्लम। नहीं, आधा लीजिए HDFC और आधा रिलायंस, लेकिन रिलायंस 3000 जाएगा तो डिम्पी जी न्यू हाई आएगा ना। हाँ। आप रोज पूछते थे क्यों है, क्या है, कौन ले जाएगा। हाँ। अब कौन और क्यों नहीं होता जब हाँ। सबकी यहाँ 16800 पे खरीदा नहीं जाएगा, 18500 पे उछल उछल के आएंगे, तो उस समय रिलायंस ही है जो आपको लेके जाएगा। तो शेयर बाजार में टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल है, बैड न्यूज इज अ टाइम टू बाय, और अब रिलायंस इज टेलिंग यू फ्रॉम द फ्रंट वो क्या लीड कर रहा है। तो रिलायंस और मैं कर दूं आपको, ओके, मिड कैप आईटी के नंबर्स देखना नेक्स्ट वीक, एम्फोसिस और परसिस्टेंट के, दे विल बीट ऑल एक्सपेक्टेशन।
मिड कैप आईटी में जो कारने जाया लेने का मौका है, कल भी फंड बाइंग हुई है, आज भी है, ये शेयर यहाँ से आपको 25% रिटर्न देंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अच्छा किया सर आपने पॉइंट छेड़ दिया खुद से ही, नहीं तो मेरे से मिस भी हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इस बार अर्निंग में मिड कैप आईटी पे ध्यान रखिएगा। सर ऐसे और भी तो सेगमेंट होंगे ना, क्योंकि आप तो बहुत पढ़ाई करते हैं अर्निंग्स की, ऐसे एक और कौन से सेगमेंट है जिसके नंबर अच्छे आएंगे इस बार? बैंक सर, आईसीआईसीआई, एक्सिस विल लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड बंधन एंड आरबीएल विल बी डार्क हॉर्सेस। ऑलराइट, ठीक है बसिन जी। अशोक लेलैंड आप पहले भी दे चुके थे, रेकमेंड कर चुके थे, टू व्हीलर स्पेस में भी आप एक अच्छी वाइब्रेंस देख रहे हैं। अशोक लेलैंड हो, टीवीएस मोटर हो, वहां पर कोई रेकमेंडेशन होगी? बजाज एंड टीवीएस मोटर इन दैट, और यू बाय ऑल द थ्री, बजाज, टीवीएस एंड हीरो। हीरो इज गोइंग वेरी स्ट्रांगली इन ईवी, दे हैव गॉट एथर एंड बजाज इज सीइंग वेरी वेरी गुड नंबर्स ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट। और टीवीएस आपको पता ही है द स्कूटर इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, ऑल दोस थ्री बिकम अ गुड बास्केट टू बाय। ओके बिसिन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज फिर से दोपहर में आपसे फिर मुलाकात होती है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।